आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई? क्या ये सच है कि स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने मारपीट की? ये सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए एक पोस्ट से गर्मा गया। मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। कपिल मिश्रा के दावे अपनी जगह थे, लेकिन क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई? ये जानने के लिए पुलिस के बयान का इंतजार था। दिल्ली के डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत की। डीसीपी नॉर्थ ने इस बात की पुष्टि की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से वाकई पुलिस पीसीआर को कॉल की गई थी, और इसमें लेडी कॉलर ने ये भी कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी। वो सीएम केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पर्सनल स्टाफ ने इनकार कर दिया। उसके बाद स्वाति ने 9:31 पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, जो 9:34 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम को ट्रांसफर हुई। क्या राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुई मारपिटाई? जी हां, दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह 9:34 पर एक कॉल मिली थी। ये कॉल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने की थी, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपिटाई हुई है। कॉलर ने ये बात कही थी कि मैं अभी सीएम के घर पर हूँ, और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है, जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट हुई। जो पीसीआर की गाड़ी है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। पुलिस को लिखित शिकायत का इंतजार है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के धुर विरोधी बीजेपी ने बिना देर किए इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। इस मामले ने दिल्ली की चुनावी सियासत गर्मा दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मसार करने वाली बात है। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अगर आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आप दिल्ली की बहू बेटियां, दिल्ली की बेटियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर खुद स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर क्या कहती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।